दोस्तों, आप सभी को राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आया था डीएलएफ टावर के पास, जहाँ पे ओला की टेस्ट राइड दी जा रही है। तो अभी हमारे पास एक सर है जिन्होंने टेस्ट राइड लिया हुआ है, तो चलिए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है ओला की S1 प्रो के साथ, या क्या कुछ इन्होंने अंदर में देखा हुआ है। तो सबसे पहले सर का नाम जान लेते हैं हम। सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनिल है। तो जी सर, आप बताइए कि शुरू से और लास्ट तक आपको क्या कुछ अंदर में उन्होंने बात किया और क्या कुछ आपको स्कूटर में देखने को मिला। पहले तो मैंने ओला S1 प्रो के बारे में मुझे बताया, उसमें डेमो दिया। अच्छा। डेमो में बताया उन्होंने बैटरी वगैरह, चार्जिंग पार्किंग मोड कैसे है, और नॉर्मल हाइपर स्पोर्ट मोड के बारे में बताया उन्होंने। देन उन्होंने मुझे इसकी टेस्ट राइड के लिए भेजा, और टेस्ट राइड में भाई सच बताऊँ तो बहुत ही अलग ही फीलिंग है। नॉर्मल मोड भी है और जो स्पोर्ट मोड है, और सबसे हाइपर मोड जो है उसका एक्सप्लेनेशन इतना पावरफुल है कि मज़ा आ गया चलाने में। और एक चीज़, वहाँ पे वीडियो या फोटो अलाउ नहीं है? नहीं ब्रदर, जिन्होंने सिर्फ बुक किया है सिर्फ उन्हीं का अलाउ हो रहा है। हाँ, मुझे फ़ोटो लेने दिया गया, एक आध बैठ कर उन्होंने कुछ दिया, क्योंकि जब सर बाइक पे टेस्ट राइड ले रहे थे उस टाइम मैं भी वहाँ पे गया था, तो उन्होंने फ़ोटो और वीडियो अलाउ नहीं किया। बाहर से मैंने तो बुक भी नहीं किया, तो वो बोले कि आप सिर्फ देख सकते हैं, फ़ोटो अलाउ नहीं है, और सेल्फी भी सिर्फ उन्हीं वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने बुक किया, एडवांस पेमेंट दिया हुआ है, उन्हीं लोग ले सकते हैं। और अंदर में सिर्फ S1 प्रो ही था, S1 का कोई मॉडल नहीं था। S1 प्रो में से सबसे बड़ी मुझे कमी क्या लगी, इन लोगों से मैंने पूछा, पाया बता नहीं पाए लोग कि 100% चार्ज पे ओनली नॉर्मल मोड पे दिखा रहे हैं कि 152 किलोमीटर चलेगा, और ओला कंपनी अच्छा डैशबोर्ड पर यह दिखा रहा है। अच्छा, और ओला क्लेम करती है 181 का। मैंने वही पूछा पर वो बता नहीं पाए इस चीज़ को। तो क्या उन्होंने मतलब बात को क्या बोल के टाले, वो ऐसा कुछ बता ही नहीं पाया कि इसका कुछ उनके पास जवाब है नहीं है, मुझे हमें पता भी नहीं बताया था कुछ। मैंने आगे जब कंपनी 181 क्लेम कर रही है, तो जब 100% बैटरी चार्ज है तो 152 किलोमीटर क्यों शो कर रहा है नॉर्मल मोड पर? वहाँ पर 181 शो करना चाहिए, पर वहाँ पर 181 की जगह 152 किलोमीटर शो कर रहा है। ये भी बात सही है, क्योंकि कंपनी क्लेम कर रही है, बट अगर आप डैशबोर्ड पर देखते हैं नॉर्मल मोड में, इको मोड में, तो वहाँ पर जो एवरेज आपको देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं 15-20 किलोमीटर का एवरेज थोड़ा सा कम हो जाता है फुल चार्ज पे, 100% चार्ज पे। और टेस्ट ड्राइव पे क्या कुछ आपको देखने को मिला, जैसे कितना डिस्टेंस ये लोग किलोमीटर कवर करने के लिए दे रहे हैं? उन्होंने 2 किलोमीटर अराउंड मुझे यहाँ पे टेस्ट ड्राइव के लिए दिया, 2 किलोमीटर के आसपास। कितना टॉप स्पीड आप लेके जा पाए? वैसे तो टॉप स्पीड काफ़ी ज़्यादा है ओला क्लेम करता है, बट यहाँ पे अलाउड नहीं है, 50 से ऊपर अलाउड नहीं किया उन्होंने। अच्छा, 50 से ऊपर जाने नहीं दिया। अच्छा, तो आपको इसमें का सबसे बेस्ट पार्ट ओला का क्या लगा? ओला जो S1 प्रो था, हाइपर मोड एक्सेलरेशन, और जब मैं वहाँ पे था आपका, मैं वहाँ पे देख रहा था रिवर्स जो करने का था, उसमें क्या कुछ फंक्शन आपने देखा? रिवर्स में रिवर्स मोड था बस, और बैक उसमें कुछ रिवर्स लेफ्ट साइड में जो बटन होता है वहाँ पे था। एक चीज़ इसमें खास लगा मुझे, जो हम लोग रिवर्स करते हैं एक्सेलरेशन को, हम लोग पीछे की तरफ पुल करते हैं, ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा आगे की तरफ है, सर को भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगा। हाँ। आगे की तरफ है, थोड़ा सा वो हैंडलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता। हाँ। है और बाकी और क्या कुछ बोल रहे हैं कि डिलीवरी कब तक किया? डिलीवरी तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो इनका काम टेस्ट राइड का ही था। बाकी डिलीवरी तो मेरे ऐप में शो कर रही जो जनवरी की है, जनवरी 2022, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का दे रखे। अच्छा, जो मेरे शो करते हैं ऐप में। अच्छा, तो आपका ये पहला स्लॉट नहीं आया था ना ये टेस्ट राइड का? और वहाँ पे जो बना है वहाँ पे इंटरव्यू आपका लिया गया, जैसे ओला जो इंस्टाग्राम पे देखेगा तो फीडबैक वगैरह मांगा गया? बस वीडियो नहीं बनाया गया, वो कंटिन्यू चल रहा है, वीडियो नहीं बनाया गया था? नहीं, वीडियो नहीं। क्योंकि देखिएगा, आप लोग में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा ओला की जो इंस्टाग्राम या ट्विटर आप फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे वो लोग छोटा सा एक क्लिप रिकॉर्ड करे, जो भी कस्टमर जैसे सर ने टेस्ट ड्राइव कर लिया तो उनसे फीडबैक के लिए वहाँ पे वो पोस्ट करे, जैसे ले तो रहे थे, पर शायद मेरा इसलिए नहीं लिया गया कि उनके पास जॉब ही नहीं था। मैंने जो बैटरी का पूछा उनसे परसेंटेज का, अच्छा, वहाँ पे वो चुप हो गए, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि भाई ये बंदा पोल खोल देगा, इसलिए नहीं लिया। मैंने वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं जिनका अच्छा है। मैंने सवाल पूछे तो दो तीन स्टाफ आया, पर कोई जवाब नहीं दे पाया। अच्छा, जिनसे उनको लगता है कि हाँ ये कस्टमर ओला से खुश है, उन्हीं का वो वीडियो बना रहे हैं, और बट वो वही परसेंटेज वाला सवाल। हाँ, मतलब दो तीन जिनका सवाल वो कस्टमर मतलब जो ओला वाले वो नहीं दे पा रहे कस्टमर का, तो वो लोग उनका वीडियो शायद नहीं ले रहे हैं। 100% कंफर्म नहीं है, बट सर का ऐसा ही मानना, और इनका भी वीडियो उन्होंने नहीं लिया है। तो और कुछ उसमें आपने लास्ट में उन्होंने बस फीडबैक लिया, वही क्या पूछ रहे थे वो फीडबैक में, वही आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं वॉस्ट में बाकी बस मैंने वही बैटरी वाला परसेंटेज का इशू था बस, कि S1 प्रो
जो ओला क्लेम करती है 181 किलोमीटर वो मुझे शो नहीं कर रहा था नॉर्मल मोड पे, वो 100% चार्ज पे 152 किलोमीटर शो कर रहा है बस। अच्छा, और जो S1 नहीं है यहाँ पे, तो वो आपने पूछा कि S1 क्यों नहीं भाई? मुझे एक्चुअली मैंने उसके बारे में पूछा नहीं, क्योंकि मुझे आपने कौन सा बुक किया था? S1 Pro, मुझे उसी के बारे में जानना था। अच्छा, और बट जिन्होंने S1 भी प्रो S1 आपने परचेज करना चाहा और S1 आपने बुक किया है, तो यहाँ पे टेस्ट ड्राइव में सिर्फ S1 Pro है, S1 नहीं है। बट और भी इसमें खास बात है कि बीप साउंड भी ऑटोमेटिक की ऑफ भी हो जाता है, मैं वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा था। बाकी जो टायर साइज है फ्रंट और रियर दोनों सेम है, 110 70 12 सेक्शन का आपको एलॉय व्हील के साथ टायर देखने को मिलता है। बाकी ओला का जो अगर आप ब्रांडिंग देखें, स्टिकर देखें, तो वो सिर्फ फ्रंट में ही है ओला लिखा हुआ, साइड में या बैक में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता है। और जो चार्जिंग का पॉइंट था वो बैक साइड में था, बैक साइड। और जो सीट है सामने की तरफ जो राइडर का, थोड़ा सा नैरो है, बाकी पीछे बैक साइड में देखें तो काफ़ी ब्रॉड सीट आपको देखने को मिल रहा है। जो इसमें स्पीकर देखे ना वो वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है वो। अच्छा, कभी भी खराब होते हैं यार, मतलब हल्के फुल्के बारिश में चल जाएगा, पर पूरे बारिश में रिस्क है, काफ़ी रिस्क है भाई। तो उन्होंने बताया कि आपने पूछा, मैंने पूछा उनसे कि भाई ये वाटर प्रूफ है, उन्होंने कहा नहीं सर वाटर रेजिस्टेंट है, फिर बारिश वारिश में तो ये खत्म हो सकता है। तो बोले हाँ हो सकता है, डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे, सवाल ऐसे तो मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं लोगों ने, ये दिक्कत थी मेरे। और ये सवाल इसलिए उठा कि मैं YouTube पे देखता भी रहा कई वीडियो, तो मैंने कहा यार ये तो वहाँ जाके क्लियर करेंगे, यहाँ पे क्लियर हो नहीं पाया। चलिए, तो यही छोटा सा था, बाकी वीडियो बनाने नहीं दे रहे, बट जैसे सर का भी आया हुआ था टेस्ट ड्राइव के लिए, सर जब इस साइड निकले हुए थे तो मैंने मोबाइल से वो छोटा सा क्लिप शूट किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी ये सर से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, सर ने चैनल भी सब्सक्राइब किया, इसके लिए थैंक यू। आप भी कर लो भाई, मैंने कर लिया। तो बाकी अभी तो मैं यहाँ पे नया आया हूँ, फर्स्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आने वाले टाइम में काफ़ी सारा वीडियो आपको बाइक रिलेटेड या स्कूटर रिलेटेड, इलेक्ट्रिक कोई भी हो, आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं।
दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अपने रूम पे, अपने घर पे, और वहाँ पे कुछ जो बात है वो मैं बताना भूल गया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे टोटल 4 मॉडल है जिसमें सभी S1 Pro है, ओला की S1 Pro, उसमें से कोई भी S1 मॉडल नहीं था। और वहीं अगर कलर के बारे में बात करें तो एक था मेट ब्लैक, एक था ग्लोसी ब्रेक, एक था ब्राउन में और एक था स्काई ब्लू में। और जो ग्लोसी ब्रेक ब्लैक कलर था, जो काफ़ी चमकता हुआ ब्लैक कलर था, उसको एक बंदा हमेशा एक राइड के बाद हमेशा साफ़ करते रह रहा था। मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा तरीके अच्छे तरीके से साफ़ किया जा रहा था, क्योंकि वो बहुत जल्दी उस पर डस्ट आ जा रहा था। बाकी मॉडल पे उतने ध्यान कोई नहीं दे रहा था साफ़ करने में, बट जो ब्लैक था, ग्लोसी ब्लैक, उस पर एक बंदा एनी टाइम साफ़ कर रहा। भाई मैंने वहाँ पर खड़ा होकर देखा था, फ़ोटो वीडियो तो अलाउ नहीं किया था, मैंने बोला भाई मुझे सिर्फ देखना है, तो उन्होंने देखने के लिए अलाउ किया था, तो मैं वो चीज़ नोटिस कर रहा था। उसके बाद काफ़ी सारा, मतलब देखने में बाइक सही लगा भाई। उसका जो रियर का फुटरेस्ट था वो अंदर की तरह वो चला जाता है, जिसमें जो साइड बॉक्स है वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है, अलग सा देखने में नहीं लगेगा, उसको निकालने पे होगा। बाकी बाइक सही लगा, एकदम सही लगा। डैशबोर्ड भी काफ़ी बड़ा चौड़ा है, देखने में भी लगता है स्क्रीन टच रहता है, तो बाइक देखने में बिल्कुल सही है। बाकी जो पावर वगैरह था, सही में पावर भी गजब का पिकअप दिया हुआ है हाइपर मोड में, मैंने वहाँ पे टेस्ट ड्राइव के टाइम देखा भी था। और उसका जो ब्रेकिंग है वो भी एक बंदा, मतलब भाई जहाँ मन तहाँ ब्रेक लगा रहा, बाइक स्कूटर रुक जा रही है, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा, तो वो जहाँ मन तहाँ ब्रेक लगा के वो ब्रेकिंग भी चेक कर रहा था। तो भाई ब्रेक भी सही है, देखने में और परफॉर्मेंस में बाइक सही है। बट यही है कि 4 मॉडल हैं, और जैसा कि सर ने बताया कि डैशबोर्ड भी उनको ये चीज़ देखने को मिलता है, तो अभी तो फ़िलहाल ये छोटा सा था। बाकी आने के बाद उनके पास जब बाइक डिलीवर हो जाएगी तो पता चलेगा क्या कुछ है, उनसे रिक्वेस्ट करके एक वीडियो बना लेंगे। तो अगर आपको ओला S1 Pro का रियर रिव्यू वाला वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेकंड बात करें तो पहले जो है मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था मोबाइल से, क्योंकि उस टाइम कैमरा ऑन नहीं रखा था। उसके बाद जब है कि मैंने यहाँ पे चेस्ट पर लगा के वीडियो रिकॉर्ड किया था GoPro से, तो वो चीज़ें अभी आप देख सकते हैं। और अगर बात करें वहाँ पे, अगर आप छुप छुपा के भी वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटो रिकॉर्डिंग करते हैं तो भाई वो चीज़ भूल जाइए, क्योंकि वहाँ पे लगभग 10 से 15 बंदे ऐसे हैं जो एनी टाइम आप पे नज़र रखे हुए हैं कि भाई कोई रिकॉर्डिंग या कोई कुछ तो नहीं कर रहा। तो आप छुप छुपा के भी वहाँ वीडियो रिकॉर्ड या फ़ोटो नहीं खींच सकते। जिन्होंने बुक किया है, जिन्होंने एडवांस पेमेंट कर दिया है, उनको सिर्फ एक ही फ़ोटो खींचने को मिल रहा है, जो कि सेल्फी के साथ आप ले सकते हैं और वीडियो नहीं बना सकते। तो फिलहाल यही कुछ था आज की इस वीडियो में, मिलते किसी और वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए राइड विथ बाय।